थैंक यू श्रीमती नवनीत राणा बहुत बहुत धन्यवाद सर अध्यक्ष जी फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया इट इज़ नॉट रिलेटेड टू महाराष्ट्र बट येस इट इज़ कम टू दिस पार्लियामेंट सर सो वी वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस कि जो भी फैमिली कोर्ट्स में होते हैं तो सबसे पहले हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए जो फैमिली कोर्ट्स की बिल्डिंग होती है इसे सेपरेट करना बहुत जरूरी है जब भी एक आधा फैमिली कोर्ट का विषय आता है कोर्ट में तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अगर उनके साथ आते हैं तो बाकी जो क्रिमिनल्स उस कोर्ट में आते हैं उन्हें देख एक अलग सी माइंड बच्चों में निर्माण होता है और उससे बहुत ज़्यादा आने वाले समय में उन फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के संकेत हैं तो इसलिए अगर फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग अगर सेपरेट करते हैं प्रीमाइसिस क्योंकि वहाँ बैठने के लिए ये वॉशरूम जाने के लिए जगह होती नहीं है बच्चे अगर छोटे हैं कोई एक साल का लेके आता है कोई गोद में लेके आता है कोई साथ में तीन साल चार साल का बच्चा है तो उसके लिए वो सब सुविधाएं होनी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है और ये फैमिली कोर्ट है अगर क्रिमिनल को बच्चा देखता है या फैमिली के सामने आता है तो बहुत सारी इशू होते हैं अभी हमारे एक सीनियर लीडर ने कहा कि यहाँ पर ये पार्टी थी करके ये आज देश में इतनी जो डाइवोर्स के केसेस हमारे देश में आ रहे किसी के भी जिंदगी में किसी भी परिवार में ऐसा पीड़ित विषय होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति इस देश की कुछ और सिखाती है सतियों के देश में रहने वाले हम महिलाएं हैं यहाँ पर सती होती थी महिलाएं ऐसे देश में हमने रही और हमारी संस्कृति भी यही सिखाती है कि आखिरी क्षण तक हम आधी रोटी चटनी खाकर हम उस परिवार में रहें उस जीवन साथी के साथ रहें पर वो हर चीज़ में हमने उस परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए ये संस्कृति हमें सिखाती है और वो हम करते भी हैं एक पर्सन हमारे देश में ऐसी महिलाएं, अगर वो जिस तरीके से बता रहे हैं इट इज़ फ्रॉम दी पार्टी टू हुम आई सपोर्ट इन दिस पार्लियामेंट हाउस सर बट कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कम्युनिस्ट माइंड के लोग थे या कांग्रेस दिमाग के लोग थे इसलिए आज डिवोर्स को इतना बड़ा मिले नहीं सर हमारे संविधान ने लिबर्टी दी है हमारे राइट्स के लिए हमारी लड़ाई के लिए हम लड़ सके वो राइट्स हम लड़ रहे हैं पर उसके साथ साथ में सर एक रिक्वेस्ट मैं मंत्री महोदय को ज़रूर करना चाहूंगी सर काउंसिलिंग जो सेंटर्स बनाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जाने से पहला उसमें जो पीड़ा महिलाओं को होती है कोई माने नहीं माने सर हम बोलते हैं हम बोलने के लिए बहुत स्ट्रांग है हम लड़ सकते हैं हम अपनी मजबूती से लड़ भी रहे हैं पर अगर आप बात करें जब डिवोर्स की बात आती है कोर्ट में जाने की बात आती है जब परिवार साथ छोड़ देता है अपना खुद की माँ पेरेंट्स अपने भाई अपना परिवार आपकी साथ छोड़ देता है जब कोर्ट में लड़ने की बात आती है उस समय सच्ची पीड़ा उस महिला को पता लगती है कि कोर्ट में मैं किस तरीके से जाऊंगी जिसने कोर्ट का नाम सपने में भी नहीं सुना जिसने काउंसलिंग सेंटर का नाम नहीं सुना तो ऐसी महिलाओं के लिए जब काउंसलिंग में जाती हैं तो बहुत सारी एनजीओस काम कर रही हैं मैं ये नहीं कह रही कि एनजीओस अच्छा काम नहीं कर रही हैं सर एन अच्छा काम कर रही हैं अगर उसकी जगह पे कोई एक्सपर्ट एडवोकेट जो एक्सपीरियंस है वो अगर काउंसलिंग करेंगे तो मुझे लगता है जो समय दस दस साल का कोर्ट में लगता है सर अगर किसी की भी शादी टूटती है डिवोर्स होता है उस एज में थर्टी एज में और दस साल अगर उसको कोर्ट में लगते हैं आधी जिंदगी उसकी निकल जाती है सर उसका रीमैरिज करना उसका दूसरा संसार बिछाना बहुत मुश्किल होता है तो उसके लिए भी हमें सोचना सही है सर कि उन्हें जो पीड़ा होती है काउंसलिंग सेंटर से लेकर कोर्ट में जाने से लेकर कोर्ट में अलग अलग बातें समाज में समाज के ताने पुरुष को बहुत कम सहना पड़ता है महिलाओं को बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है सर उसके बारे में अगर हमने सोचा दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस बिल पर मैं ये चाहूंगी सर कि काउंसलिंग सेंटर में एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स लोगों को अगर आपने बिठाया कोई रिटायर्ड एडवोकेट्स को बिठाए तो उन्हें काउंसिलिंग करेक्ट तरीके से वो दे सकेंगे और महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा उनके भविष्य के लिए हो सकेगा सर दिस इज अ वेरी गुड बिल इट इट बिलोंग्स टू नागालैंड हिमाचल प्रदेश बट सर यस फीमेल फ्रॉम होल इंडिया ये आपको देख रही है कि इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चा आनी चाहिए जो समस्या महिलाओं के लाइफ में आती है फिर वो यंग एज हो या मिडिल एज हो या फिफ्टी क्रॉस करती हो उसका ध्यान हम सभी को रखना बहुत जरूरी है बिकॉज यस yes, महिला इज़ दी पावर ऑफ दिस इंडिया और हम महिलाओं को ऐसे कमजोर होने नहीं दे सकते उसका साथ मैं आपसे ज़रूर विनंती करूंगी कि ऐसे केसेस में उन उनके साथ में भी कोई भी खराब ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेंटर से लेकर कोर्ट में ना हो सर इतनी रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगी एंड आई सपोर्ट दिस बिल थैंक यू सो मच थैंक यू